hello my dear students this is sarika seni and today i am going to teach you chapter 2 of your book moments and the name of the chapter is the sound of music there are two parts in this chapter so we are going to read part 1 and this is about uh, a great personality who is a multi-percussionist and the name of this multi-percussionist is Evelyn Glennie. Now, the question is What is a percussionist? Percussionist is a person who plays the drum, the tabla, etc. Means the person who plays the musical instrument. She is world famous and she is very talented. So, this chapter is about her struggle. So, let's start the chapter without delaying. Rush hours crowd. जोसल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म सो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का सीन था रश आर से यानी कि काफ़ी भीड़ भाड़ थी क्राउड्स जोसल फॉर पोजिशन क्राउड्स मीन्स भीड़ जो है जोसल जोसल मीन्स होता है एक दूसरे को पुश करना रफ्ली पुश करना सो लोग जो है एक दूसरे को पुश कर रहे थे धक्का लगा रहे थे एक पोजीशन को यानी कि एक प्लेस को लेने के लिए यानी कि खड़े रहने के लिए कहाँ पर ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म अ स्लाइट गर्ल स्लाइट मींस हियर स्मॉल एंड थिन यानी कि बहुत छोटी सी और पतली सी एक गर्ल लुकिंग यंगर देन हर सेवनटीन ईयर्स उसकी एज तो सेवनटीन ईयर्स थी लेकिन वो काफ़ी छोटी लग रही थी अपनी एज से वॉज नर्वस वो नर्वस थी येट एक्साइटेड लेकिन बहुत एक्साइटेड थी एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन्स ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन सो स्टेशन पर आती हुई अप्रोचिंग मीन्स आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशंस वो फील कर सकती थी और उसे फील करते हुए शी वॉज वेरी नर्वस बट एक्साइटेड वो बहुत ही एक्साइटेड भी थी नर्वस भी थी इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन यस स्टूडेंट यू कैन सी द पिक हेयर ऑफ़ द बिल्डिंग ऑफ द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन सो आज उसका फर्स्ट डे था वो कहाँ जा रही थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन जो कि लंदन में है और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस यानी कि रेप्यूटिड एक एकेडमी है म्यूज़िक की सो वो वहाँ जा रही थी एंड डोंटिंग इनफ डोंटिंग मींस फ्राइटनिंग जिससे जो है डर लगे आपको यानी कि आज उसका पहला दिन था तो वो जो है काफ़ी डरी हुई थी सो इट वॉज डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीन फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म स्कॉटिश वर्ड जो है किसे बिलोंग करता है स्कॉटलैंड से सो शी बिलोंग टू स्कॉटिश फार्म वो जो है स्कॉटलैंड के एक फार्म से बिलोंग करती थी सो so, और वो टीनेजर थी आज वो पहली बार रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जा रही थी तो इसलिए जो है वहाँ पर फर्स्ट डे उसका जाना उसके लिए काफ़ी फ्राइटनिंग था डराने वाला था यानी कि वो बहुत डरी हुई थी बट दिस एस्पायरिंग म्यूज़िशियन बट शी वॉज एन एस्पायरिंग म्यूज़िशियन एस्पायरिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू डू समथिंग इन हीज़ लाइफ सो शी वॉज एस्पायरिंग म्यूजिशियन यानी कि वो अपनी लाइफ में एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट उसने अपनी लाइफ में जो है ज़्यादा बड़े चैलेंज को फेस किया था जैसा कि बाकी लोग करते हैं उससे ज़्यादा बड़े चैलेंज को उसने फेस किया था क्यों फेस किया था चैलेंज को क्यों उसका चैलेंज दूसरे लोगों के कंपेरेटिवली बड़ा था शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ प्रोफाउंडली मीन्स हेयर एक्सट्रीमली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहरी थी यानी कि नॉर्मल बहरी भी नहीं थी बहुत ज़्यादा बहरी थी और वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी सो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर हर इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एवलिन ग्लैनिस लॉस ऑफ हियरिंग एवलिन ग्लिने का जो हियरिंग का लोस था यानी कि उसके जो सुनने की जो क्षमता थी उसका चले जाना हैड बीन ग्रेजुअल ग्रेजुअल मीन्स स्लो यानी कि वो एकदम से बहरी नहीं हुई थी वो धीरे धीरे बहरी हुई थी हर मदर रिमेम्बर्स उसकी मदर को याद है नोटिसिंग समथिंग वॉज रोंग वैन द एज ईयर ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो उनकी मदर को याद है कि कैसे उन्होंने पहली बार नोटिस किया था कि कुछ तो गड़बड़ है जब उन्होंने अपनी एट ईयर ओल्ड डॉटर को देखा था जब वो अपनी पियानो बजाने की टर्न का वेट कर रही थी अपनी बारी आने का वेट कर रही थी द कॉल्ड हर नेम उसकी मदर कहती है कि उन्होंने उसका नाम पुकारा यानी कि उसकी टर्न के लिए उसे आवाज़ लगाई बट शी डिडेंट मूव लेकिन वो फिर भी नहीं हिली आई सडनली रियलाइज्ड तब उनकी मदर ने एकदम से रियलाइज़ किया शी हैड एंड हर्ड कि उसने तो अपना नेम सुना ही नहीं सेज ईज ग्लेने इजबेल ग्लेने उनकी मदर है तो उन्होंने ये बात बताई कि पहली बार उन्हें अपनी बेटी के बहरेपन का एहसास कब हुआ जब उनकी बेटी आठ साल की थी और वो पियानो बजाने के लिए अपनी टर्न का वेट कर रही थी और जब उसका नाम बुलाया गया तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया फॉर क्वाइट अवाइल काफी समय तक एवलिन मैनेज टू कंसील कंसील मीन्स हाइड एवलिन जो है वो छिपाती रही हर ग्रोइंग टैफ़नेस यानी कि अपने बहरेपन को जो उसका बहरापन बढ़ता जा रहा था वो उसको छुपाती रही फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स ना ही उसने अपनी फ्रेंड्स को इसके बारे में कुछ बताया ना ही अपनी टीचर्स को बट बाई द टाइम शी वॉज इलेवन लेकिन जब वो इलेवन ईयर्स की हो गई हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटिड डिटीरियोरेट होना होता है डिक्लाइन होना डिक्रीज हो जाना कम हो जाना सो so, बहरे होने की वजह से वो अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रही थी और उसके मार्क्स भी कम होते जा रहे थे एंड हर हेड मिस्ट्रेस ऑर्ज हर पेरेंट्स ऑर्ज मीन्स रिक्वेस्टेड तो उसकी जो हैड मिस्ट्रेस थी प्रिंसिपल थी उसने उसके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट uh, किया टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट कि आप इसे स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाइए ताकि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके इट वॉज़ देन डिसकवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज़ सीवियरली इम्पेयरड तब जो है पहली बार रियलाइज़ हुआ कि उसकी जो हियरिंग पावर है उसकी जो सुनने की जो क्षमता है वो सीवियरली सीवियरली मीन्स बैडली और इम्पेयर मीन्स होता है किसी चीज़ का जो है नुकसान हो जाना यानी कि उसमें किसी तरह की जो है कमी आ जाना क्षति हो जाना तो इस तरह से उसकी हियरिंग पावर जो है वो वीक हो गई थी इम्पेयर्ड हो गई थी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज ऐसा क्यों हुआ था ग्रेजुअल मीन्स स्लो नर्व डैमेज उसकी जो नसें थी कान की वो जो है धीरे धीरे डैमेज हो गई थी देवर एडवाइज दे कौन है यहाँ पर उसके पेरेंट्स दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हीरिंग एड्स उसके पेरेंट्स को डॉक्टर ने सलाह दी कि वो जो है एवलिन को हीरिंग एड्स लगा दें उसके कानों में जो है हियरिंग एड्स क्या होती हैं जैसे आपने देखा होगा कोई बहरा पर्सन होता है तो उसको जो है थोड़ा बहुत सुनाई दे उसके लिए उसके कानों में जो है कई तरह की अलग अलग तरह की डिवाइसेस या मशीनें लगा दी जाती हैं तो उसे हम कहते हैं हियरिंग एड्स तो इस तरह से उसके पेरेंट्स को डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे हियरिंग एड्स जो है लगा दी जाए कानों में फिट कर दी जाए उसके एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ और उसे जो है बहरे लोगों के जहाँ पर बहरे बच्चों को पढ़ाया जाता है ऐसे स्कूल में उसे भेजा जाए सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एवरी थिंग सडनली लुकड ब्लैक सो सेस ग्लिन एवलिन एवलिन कहती है कि जब मैंने ऐसा सुना कि मैं बहरी हो गई हूँ और मुझे बहरे बच्चों के स्कूल में जाना चाहिए और मेरे कानों में जो है हियरिंग एड्स लगा देनी चाहिए तो मेरे लिए जो है सब कुछ ब्लैक हो गया यानी कि ऐसा लगा जैसे कुछ है ही नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप गिव अप मीन्स होता है हार मान लेना लेकिन एवलिन जो है हार मानने वाली लड़की नहीं थी वो हार नहीं मानने वाली थी शी वॉज डैटरमीड डेटरमीड मीन्स शी हैड फॉर्मली डिसाइडेड उसने दृढ़ निश्चय कर लिया टू लीड अ नॉर्मल लाइफ कि वो अपनी लाइफ को एक नॉर्मल तरीके से जिएगी एक बहरे पर्सन की तरह नहीं जिएगी एंड परस्यू परस्यू मीन्स फॉलो एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक और म्यूजिक में उसका जो इंटरेस्ट है वो उसको फॉलो करेगी यानी कि उसको ही जो है वो अपना करियर बनाएगी वन डे एक दिन क्या हुआ शी नोटिस्ड अ गर्ल उसने एक गर्ल को देखा प्लेइंग अलो फ़ोन जइलो फ़ोन क्या है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसने एक गर्ल को उसे बजाते हुए देखा एंड डिसाइडेड और डिसाइड किया दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू कि वो भी उसे जो है बजाना चाहती थी यानी कि वो भी उसे बजाना चाहेगी मोस्ट ऑफ़ द टीचर्स डिस्करेज हर बहुत सारे टीचर्स ने उसके बहुत सारे टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया उसे कहा कि तुम कैसे बजा सकती हो कैसे सीख सकती हो बट पर क्यूसनिस रोन फॉप्स एज यू कैन सी इन द पिक सो so, उसके जो गुरु थे उसके जो टीचर थे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया करते थे रोन फॉब्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल वो जो है एक्चुअली में पहले उसके गुरु नहीं थे बाद में बने तो ये जो म्यूजिशन थे, ये जो म्यूजिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे रोन फॉब्स उन्होंने जो है क्या किया स्पोटिड हर पोटेंशियल स्पोर्टिड मीन्स हियर सॉ देखा उसका पोटेंशियल कि उसके अंदर जो है कितनी एबिलिटी है पोटेंशियल क्या होता है क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डिवेलप्ड सो उसके अंदर उन्होंने क्वालिटी देखी कि ये जो है अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकती है ही began by ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू different नोट्स उन्होंने जो है कैसे शुरुआत की उन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग धुन में बजाया और उसे कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से वो कहते थे एवलिन से कि तुम अपने कानों से मत सुनो ट्राई टू सेंसिस सम अदर वे किसी और तरीके से तुम इसको सुनने की कोशिश करो सेज एवलिन एवलिन ने ये बात कही सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हाइर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन तो जल्दी ही एवलिन ने रियलाइज किया कि वो जो है जो ऊपर के ड्रम की आवाज़ है उसको जो है अपने कमर के ऊपरी हिस्से से सुन सकती है यानी कि वाइब्रेट वाइब्रेशन से सुन सकती है एंड द लोअर वन और निचले ड्रम की जो आवाज़ है उसको वो जो है अपने कमर के निचले हिस्से से सुन सकती है यानी कि अपनी बॉडी के ऊपर के हिस्से से वो जो है बड़े ड्रम की आवाज़ सुन सकती है और निचले हिस्से से वो जो है जो छोटा ड्रम है जो नीचे वाला ड्रम है उसकी आवाज़ सुन सकती है थ्रू वाइब्रेशन फोब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज फोर्ब ने ड्रम्स को फिर से बजाया एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड और जल्दी ही एवलिन ने पाया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी एवलिन ने रियलाइज किया कि वो जो है फील कर सकती है सेंस कर सकती है अलग अलग धुनों को अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंडस एंड वाइब्रेशन सो एवलिन कहती है कि जल्दी ही मैंने सीख लिया अपने माइंड को और बॉडी को जो है ओपन कर देना साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए यानी कि साउंड्स और वाइब्रेशंस को मैं कैसे फील करती थी अपनी माइंड से और अपनी बॉडी से द रेस्ट वॉज शीयर डेटरमिनेशन एंड वर्क वो कहती है बाकी और जो मैंने अचीव किया वो किसका कमाल था मेरी जो है जो डेटरमिनेशन थी शीयर मीन्स कंप्लीट कि मेरी जो है डेटर्मिनेशन uh, थी दृढ़ निश्चय वाली जो शक्ति थी Uh, और जो है जो मेरा हार्डवर्क था बाकी सब जो है उसका कमाल था बाकी सब जो है उसकी वजह से हुआ सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड शी नेवर लुकड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स और जब उसे अपनी बॉडी से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की धुनों को फील करना आ गया तो उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो आगे ही आगे बढ़ती चली गई शी United द with किंगडम विद orchestra. उसने जो है एक ऑर्केस्ट्रा के साथ जो है यूके का जो है टूर किया यूके गई वो अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ एंड बाय द टाइम शी वो सिक्सटीन और जब वो सिक्सटीन इयर्स की हो गई शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ उसने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाएगी यानी कि अपना करियर जो है वो म्यूज़िक को ही बनाएगी शी ऑडिसन शी ऑडिशन फॉर द रोयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक तो उसने क्या किया रोयल अकेडमी ऑफ़ म्यूज़िक में जो है उसने अपना ऑडिशन दिया ऑडिशन देना क्या होता है एक तरह की शॉर्ट परफॉर्मेंस देना ताकि डायरेक्टर्स ये देख सकें कि आप अच्छा कर पाओगे या नहीं तो इस तरह से उसने एक ऑडिशन दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी और उस एकेडमी में आज तक किसी ने भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं लिए थे जितने एवलिन ने लिए तो उसने अपने आप को वहाँ पर प्रूव किया शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस पहले जो है वो अपनी परफॉर्मेंस ऑर्केस्ट्रा में देती थी और फिर जो है धीरे धीरे उसने क्या करना शुरू किया सोलो परफॉर्मेंसेज को देना स्टार्ट कर दिया एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर कोर्स और अपनी तीन साल के कोर्स को करने के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स सो उसके बाद उसने जो है क्या किया बहुत सारे जो टॉप अवार्ड्स है म्यूजिक लाइन में उसने जो है उन सबको कैप्चर किया कैप्चर करना पकड़ लेना होता है और यहां पर इसको हम क्या कहेंगे कि उसने जो है प्राप्त कर लिए सो so, बहुत सारे अवार्ड्स जो है उसने अपने नाम कर लिए सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इस सब को जो है वो कोई ग्रेट हीरोइक मींस कोई ग्रेट अचीवमेंट नहीं मानती वो कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड कि अगर आप मेहनत करें एंड नो और जानते हो वेयर यू आर गोइंग कि तुम कहाँ जा रहे हो यानी कि, कि किस जगह के लिए मेहनत कर रहे हो तुम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो यानी कि जगह अगर आपको आपका, आपका जो है टारगेट पता होता है यू विल गेट देयर तो तुम जरूर जो है उस तक पहुँचते हो अगर मेहनत करते हो एंड शी गो राइट टू द टॉप और इस तरह से मेहनत करके वो जो है टॉप जो है उसने अचीव हासिल किया टॉप पोजीशन ली नाउ अब जो है उसकी अचीवमेंट क्या है द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परक्यूसनिस्ट विद द मास्ट्री ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट तो आज कल जो है वो वर्ल्ड की जो है सबसे फेमस सबसे जो है टॉप लेवल की जो है मल्टीप्रक्यूसनिस्ट है यानी कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को जो है प्ले करती है और उसकी मास्ट्री यानी कि वो कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती है सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि थाउजेंड के आस पास वो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती है एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल हैक्टिंग मीन्स बिजी और उसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल है वो इतना बिजी रहता है इट मींस की वो कभी किसी कंट्री में कभी किसी कंट्री में टूर करती रहती है और अपनी म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस देती रहती है सो डी एस स्टूडेंट्स आज हमने हाफ चैप्टर पढ़ा है द साउंड ऑफ म्यूजिक के फर्स्ट पार्ट का सो वी विल इट इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू स्टूडेंट्स